बढ़िया मन से नागरिक है, ऐसे नहीं कि आपको चलाना चला गया, आप जो चाहेंगे कर लेंगे। आपने गिरवाई सब मिलेगी, नहीं तो मैं ज्यादा चिखे हमारी पूरी बिल्डिंग है भाई, उसमें बैठा इंसान मर जाए कौन जिम्मेदारी लेगा? पूरा मुआवजा चाहिए जो आप तोड़ के लाए। नहीं, उसमें इंसान मर जाए कौन जिम्मेदारी लेगा? आप लेंगे? जान माल का खतरा आप लेंगे? पूरी बिल्डिंग गिर गई, उसमें कोई बैठ पाएगा? उसमें कोई बैठ पाएगा? अभी उसमें कोई बैठ पाएगा? कोई नोटिस? सब कुछ है आपके पास? कोई नोटिस कौन सा तरीका? मशीन से कटवा देते हैं, 24 घंटे के अंदर आपको नहीं मिलता। आप तब कहते हैं हमसे, सही बात, आप मिसाल लगा देते हैं कि यहाँ से आपका पढ़ा हुआ ऐसा किसी का घर नहीं गिरता कि तुरंत जाकर अरे साले इस कानून की और यह माफ हुई है उत्तर प्रदेश में फांसी हो गया कोई अब तो नियम कानून नहीं बना था। अब ये कानून चल लो जेल में एक बार सोचा। आप बताइए बिल्डिंग आगे से तोड़ी जाती है कि पीछे से तोड़ी जाती? ये हमारा छज्जा पीछे से तोड़ के जो आए हैं इनको उसके बाद अकबर क्यों छोड़ा है? हमारा कहना है पूरा तोड़ा छज्जा, बस हमें अकबर नहीं चाहिए, हमें गुंजाइश है हम दोबारा फिर बनवा लेंगे या नहीं बनवाएंगे, लेकिन पूरा तोड़ा है। अकबर किन के लिए छोड़ा है? अपनी मेहरिया बच्चन के लिए छोड़ के आए हैं बहुत है की मलबा पहले हमारा बच्चा दुकान से होके गया, उसके बाद घर पहुंचता है, इसके बाद हमारे जो दुकान किराए पे लिए वो कह रहा भैया ये दुकान तोड़ रहे हैं। हमने कहा उन्हें रोको रोको, उनसे बात तो करवाओ, उसने कोई बात नहीं की। उसके बाद वो तोड़ते चले गए, अकबर तोड़ के भाग आए। ये कोई तरीका है? जब अभी आकर आपने अधिकारियों से बात की उन्होंने क्या बताया? वो हमें धमकी दे रहे हैं, धमकी दे रहे हैं, सेटिस्फाई नहीं कर पा रहे लोगों, धमकी दे रहे हैं, अपनी गाड़ी में भाग रहे हैं। देखो अब कहाँ चला गया अब्दुलमान? केवल इसी दुकान के लिए अब्दुलमान था? अब कहाँ चला गया? अब कोई गाड़ी भी नहीं, कोई अधिकारी भी नहीं, अब सब भागने लगे हम लोग को देख के। आपने नोटिस मत किया? आपने नोटिस किया था पहले एक महिला के द्वारा आरोप लगाया जा रहा है कि उसने उसकी दुकान आप लोगों ने लीगल तरीके से तोड़ ली, क्या था मामला? गैर तरीके से नहीं, उसका गलत आरोप है, मुरादी करा दी गई, बताया जा रहा है लगभग 4 फीट छज्जा बढ़ाकर बाहर बनाकर तैयार किया गया है, गौरैया तालाब को जाने के रास्ते पर बना हुआ है और अतिक्रमण के जज में है। सभी को मुनादी लगातार 3-4 रोज से कराई जा रही है, सबको सूचित है कि उसे हटवा लिया जाए। अपना अपना नाले के ऊपर, सड़क के ऊपर, फुटपाथ के ऊपर बनाया गया अवैध तरीके का जो भी निर्माण है उसे तत्काल प्रभाव से हटवा लें, किंतु इनके द्वारा ध्यान नहीं दिया जा रहा है। अतिक्रमण हटवाने के दौरान पाया गया कि फिर भी लगा हुआ है तो उसे प्रत्यक्ष से हटाया गया है। सब्सक्राइब करें आपका अपना चैनल न्यूज टाइम निश और हर खबर सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकॉन जरूर दबाएं। और हाँ, खबरें पसंद आ जाएं तो लाइक और शेयर करना ना भूलें।